नेपाल। जी हाँ, स्वागत है आपका। मैं हूँ खितीश, आपका मित्र। फिलहाल एक सफ़र की शुरुआत मैंने की है। नेपाल जाने का विचार तो हर किसी के मन में आता होगा, क्योंकि सबको मालूम है इंडियन सिटीजन के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट नेपाल जाने के लिए नहीं लगता। विदेशों से भी काफ़ी लोग नेपाल घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि नेपाल में घूमने लायक काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ आप नया एडवेंचर कुछ कर सकते हैं, और यह देश काफ़ी सस्ता है। वर्तमान NH 33 पर एक टोल गेट पार कर रहा हूँ, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो बस सेवा द्वारा मुसाबनी से टाटा की ओर मैं जा रहा हूँ। टाटा मानगो जो है बड़ा सा बस स्टेशन है, यहाँ मुझे खोजना पड़ेगा कि नेपाल जाने वाला बस कौन सा है। ये जो आपका पुलिया देख रहे हैं, बिरसा मुंडा गेट या मानगो वाला पुलिया है, और इस तरह से मैं मानगो बस स्टैंड में पहुँच चुका हूँ। काफ़ी बड़ा सा बस स्टैंड है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा फ़ोटो के माध्यम से। मैंने ट्रेन का इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि यह अचानक सा प्लान बना नेपाल जाने के लिए। मैं बनारस या इंडिया में कहीं घूमना चाहता था, यही कारण था कि मैं सुबह से मानगो बस स्टैंड आ गया और सोचा कि इंतज़ार यहीं कर लूँ शाम तक का, या अगर अभी यहाँ से पटना का बस मिल जाए या रांची का बस मिल जाए वहाँ जाके वहाँ से नेपाल का कोई प्लान बनाऊँ। तैयारी है यहाँ खाना खाने की मानगो बस स्टैंड पर। दावा किया गया था जिस पर एक भी व्यवस्था, कुछ न्यूज रिपोर्टर वाले थे अंदर कुछ कर रहे थे। मैं फिलहाल यहाँ घूम रहा हूँ मार्केट पर। नहीं, हो गया मेरा। टाटा से आपको बिहार के काफी सारे बस मिल जाएंगे, कलकत्ता के मिल जाएंगे, भुवनेश्वर के मिल जाएंगे, तो ऐसा आप देख सकते हैं यूपी के मिल जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ का कुछ नज़ारा था, मैं फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। खाने पीने का बहुत सारे यहाँ दुकान मिलेंगे, शौचालय और स्नानागार भी है जो आपको कुछ पैसे वहाँ देने पड़ेंगे, और काफ़ी लंबा लंबा बस, बड़ा बड़ा बस है। तो ठीक है, ये चॉकलेट देख कर बचपन का याद आ गया। लगेज काफ़ी लोड होते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मैं देखा कि काफ़ी सारे बस में लगेज ही ज़्यादा लोड होते हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए। बस के ऊपर अंदर डिक्की में कुछ करके वो लोग ले आते हैं। करंजिया, रायरंगपुर, जसीपुर, ये सामने देखिए दीघा जाएगी, दीघा जाने वाला बस है। ज़्यादातर जो नाइट बस हैं स्लीपर वाले, वे सब दिन में ऐसे ही मेंटेनेंस होते रहते हैं। देखिए चक्का खोला गया है, भाई लोग लगे हुए हैं, मैं फिलहाल पैदल चल रहा हूँ। बस स्टेशन में काफ़ी सारे गेट है, देखिए 5 नंबर वाला गेट है। ये फिलहाल मेन रोड है जो आपका गोलमुरी साइड उधर कनेक्ट कर रहा है मानगो से। मुझे समय बहुत ज़्यादा थी तो ऐसे ही पैदल पैदल चलकर अपना अनुभव बढ़ा रहा था। यह करवा ग्रुप का जो बस है, यह आपका केमझट डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इस साइड में ज़्यादातर चलता है। अब बैठा हूँ यहाँ पे क्योंकि बस का टाइम अब भी 4 घंटा बाकी है। 4 घंटा में ब्लॉग एडिट कर लूँगा और आराम कर लूँगा। ब्लॉग एडिट करते करते मैं थक गया तो फिर से निकला कहीं घूमने के लिए, और ये आप देख सकते हैं होटल नटराज का जो डोरमेटरी रूम के साइड में गया, वहाँ तो फोटोग्राफी मैं किया नहीं, पर अच्छे रेट पर वहाँ रूम्स अवेलेबल है। अगर आपका नाइट में बस है, आप दिन में पहुँच जाते हैं तो वहाँ रुक कर आप वेट कर सकते हैं आराम से। बस पर बैठ चुका था, अमर ज्योति का जो बस था, यह टाटा से रक्सोल के लिए मैंने टिकट लिया। स्लीपर का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इससे पहले कभी मैं स्लीपर में ट्रैवल किया भी नहीं हूँ, तो ऐसे ही नॉर्मल टिकट लिया 1000 रुपये का जो मुझे पड़ा, और बस पर बैठकर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस तो काफ़ी खाली है, और जैसे कि वहाँ बताया भी कि बस में ज़्यादा लोग नहीं रहते, ज़्यादातर सामान ही इधर से उधर जो होती है जाती है। तो अंधेरा होने वाला था, शाम होने वाली थी। 650 किलोमीटर 700 किलोमीटर का सफ़र हम लोग को तय करना है, और 2 ड्राइवर हैं। शाम के लगभग 7:30 बजे एक थोड़ा सा ब्रेक हुआ। वैसे तो ये पेट्रोल टंकी का पास था, पर हम सब ने अपना टंकी खाली किया, आप समझ गए होंगे। डिनर के लिए 11 बजे रात को बस रुकेगी, सब ने कुछ खाने उने का जुगाड़ ले लिया, पानी बॉटल्स ले लिया। ये कोई टोल ब्रिज पहुंचा, लगभग 9:30 बज रहा था समय। अचानक सा नींद खुला क्योंकि मैं सो गया था। इस तरीके से कुछ देर बाद इस तरीके से एक होटल पर पहुंचा। होटल काफ़ी बड़ा सड़ा था, काफ़ी सारे लोगों ने होटल पर खाना उन्हें खाया, मैंने भी देखिए कूपन कटा कर ये जो खाना है काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी, 90 रुपये में भरपेट तड़का और रोटी खा लिया।
अगला दिन सुबह हुआ, वहीं पेट्रोल टंकी पर पेट खाली करने के बाद अब बारी थी कुछ नाश्ता करने की। और सुबह का यह नाश्ता है बेतिया मुजफ्फरपुर में। नाश्ते के बाद यहाँ का रोड है कुछ, मैं थोड़ा सा पैदल निकल गया चलने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ आपको जगह जगह पर टिकट मिल जाएगा बस के लिए, ट्रैवल्स वाले बस। और ये देखिए फ़िलहाल अमर ज्योति है, ये जो लगे से दूसरा अमर ज्योति में लोड होगा। यही पेट्रोल टंकी पर आपका बाथरूम वाशरूम था, जहाँ सुबह सुबह अपना मैंने फ्रेश हो गया था। समय हो रहा 11:30, काफ़ी लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, यही तो एडवेंचर है, समय तो लगेगा ही। अब रक्सौल से हम लोग पैदल चल रहे हैं, मेरे साथ दो भाई हैं, आधा किलोमीटर होगा यहाँ से बॉर्डर, उसके बाद वहाँ बताते हैं आपको प्रोसेस क्या है। ये दोनों भाई भी वही बस से ही आए थे जिससे मैं रक्सौल आया, और रक्सौल में उतरने के बाद जब मैंने काठमांडू के बारे में पूछा इन लोगों से, तो इन्होंने कहा मुझे भी काठमांडू जाना है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में, हम लोग गलत रास्ते में पैदल आ गए थे। रक्सौल का रेलवे स्टेशन है, भाड़ा बचाने के लिए हमने 11 नंबर का गाड़ी पकड़ा, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब यहाँ पैदल चलूँगा तो इस जगह का जो अनुभव है ये मुझे मिलेगा। यह रक्सौल का मार्केट है, पूरा मार्केट हमने घूमा और बिरयानी खाया। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है, बॉर्डर इलाका है, आपको पता नहीं चलेगा नेपाल का आदमी है या इंडिया का आदमी है। देख सकते हैं बीरगंज यहाँ से 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम लोग को जाना है बीरगंज। तो बीरगंज के लिए आप बहुत सारे उपाय हैं, टैक्सी कर सकते हैं, तो हमने तो 20 रुपये इंडियन लिया, हमने कर लिया आपका टोटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जो हम लोग का है। अब प्रश्न है कि बॉर्डर पर आप कैसे पार करिएगा और चेक क्या क्या होगा, चेक पोस्ट क्या है, तो बता दूँ कुछ वैसा नहीं है, आपको एक बार बिहार का पुलिस चेक करेगा। बैग्स पर स्मगलिंग वाला कुछ सामान तो नहीं ले जा रहे आप? बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, क्या बीरगंज है ना, क्या नाम है? जी हाँ, विदेशी सरजमी पर फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ। 5 अप्रैल 2023 का यह दिन है, दोपहर का समय है, बीरगंज। आगे आपका कस्टम ऑफिस मिलेगा, आप देखते रहिएगा, वीडियो समझ में आएगा। ये तराई क्षेत्र है नेपाल का, तराई बोले तो एकदम यहाँ के जैसे, इसी टाइप के लोग मिलेंगे आपको, चेहरा एकदम ऐसा, भाषा आपको हिंदी आराम से मिलेगी। गाड़ी का नंबर आप देखिएगा, हिंदी में सब लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में। सब मर्जी है भगवान की, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कैसे जाना है काठमांडू या कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी देखिए किसी तरह से मैं नेपाल तक आ चुका हूँ। भंसार बोले तो कस्टम ऑफिस है, अगर बाइक वीक में आप आते हैं या कार में आते हैं तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टोटो स्टैंड में टोटो से उतरते ही काफ़ी सारे लोग आपके पास दौड़ के आएंगे और बोलेंगे कि मेरे साथ काठमांडू चलिए, मेरे साथ वहाँ चलिए, तो थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा। बीरगंज बॉर्डर से आगे बढ़ रहा हूँ, हम लोग क्या सोमो पकड़ रहे हैं? सोमू लेके काठमांडू जाने का विचार है, देखते क्या होता है। बीरगंज नेपाल का एरिया है, पर देखिए होटल वोटल जो भी हैं या घर द्वार जो बन रहे हैं, ये अपना इंडिया टाइप का ही लग रहा सब। ये आदमी फिलहाल हम लोग को लेके जा रहा है टाटा सोमू तक। अंदर से अनुभूति नहीं होगी कि विदेश हम आ गए, क्योंकि माहौल एकदम ऐसा ही है इंडियन जैसा, शकल सूरत सेम। यहाँ फिलहाल मैं सिर्फ 2000 रुपया चेंज कर रहा हूँ, नेपाली 3200 रुपये जिसका मुझे मिल रही है। इंडियन करेंसी पॉकेट पर फिलहाल और 2000 रुपया ही है, और मुझे किसी तरह से याद नहीं पड़ा कि यार कुछ पैसा निकाल लेते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं रहा। और मैं अपना टाटा सोमू पर बैठ गया जिसका रेट 850 रुपया था काठमांडू तक का, जो शॉर्टकट कोई है काठमांडू तक 170-160 किलोमीटर में आ जा रहा है जिसका। अब से जो भी रुपया मैं बोलूँगा वो सोच लीजिएगा आप, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप कि नेपाली होएगा। जैसा 530 रुपया इंडियन था तो 850 रुपया मैंने कहा, मतलब 850 रुपया नेपाली। तो इंडियन करेंसी का भी कोई ये नहीं है, जो नेपाली करेंसी रहेगा मैं उसी हिसाब से आपको अब से टोटल ट्रिप तक का जितना भी रहेगा सब नेपाली करेंसी के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 10 रुपया का 16 रुपया होता है, बोले तो 1000 का 1600 रुपया, इस हिसाब से आपका नेपाल में इंडिया का करेंसी का वैल्यू है। देख सकते क्रिएटा गाड़ी जो जा रही है वो या ऐसा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, और हिंदी नंबर हिंदी अल्फ़ाबेट से ही यहाँ गाड़ी में ऐसे नंबर लिखा रहता है। थोड़ा जाम लगा हुआ था, जाम लगा था क्योंकि यहाँ रोड बन रहा था। यह तराई क्षेत्र है, यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे हैं बोल सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के रोड जो है वो काफ़ी अलग है, वो भी आपको अगले वीडियो में या इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस तरीके का नेपाल का घर है, और हम लोग पहुँच चुके हैं अब डीजल स्टेशन पर। छोटा सा डीजल स्टेशन है, इतने सारे फैसिलिटीज़ तो नहीं है जैसा इंडिया में रहता है, लेटरिन बाथरूम, फिर आप पकड़ लीजिए हवा के लिए रहता है, फ्री एयर,
पानी का कुछ व्यवस्था रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही साफ सुथरा लिखा। शाम का वक्त था, हम वीरगंज से आगे बढ़ रहे थे, तो यह तराई क्षेत्र था। यहाँ पर खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे लोग बोले तो मेल फीमेल बच्चे सब, थोड़ा सा भी अगर घर के सामने जगह है सब देख रहे, कुदाली फावड़ा लेके अपना लगे हुए हैं, कुछ लगा रहे, मक्का लगा रहे, कोई कुछ भी लगा रहा है। मैं खेती करने का सबका मन में देखे कि विचार अच्छा है। घर जो है काफ़ी अलग टाइप के यहाँ बने हुए हैं, स्ट्रक्चर जो घर का है अलग है। ये देखिए आगे कुछ जो है ना आपका स्पेशल पुलिस वुलिस कुछ जा रहा है, क्योंकि ये सायरन बज बज के जा रहा था। यही रास्ते पर पुलिस चेक पोस्ट भी था, मिलिट्री कैंप टाइप का, तो वहाँ फोटो खींचना अलाउ नहीं था। इस बस्ती पर आने से पहले थोड़ा सा ऑफ रोड मिला था, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा ही ऑफ रोड था, पर कैमरा मैंने किया नहीं क्योंकि भयानक मंजर था। कैमरा करने का मुझे मन नहीं था, मैं पूरा थका हुआ हूँ। जो भी है तो बस्ती एरिया है, देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ होगा। अब धीरे धीरे हम लोग घाटी एरिया पर आगे बढ़ रहे हैं। घाटी बोले तो पहाड़ चढ़ने का, देख रहे हैं कि पहाड़ अब चढ़ना है आगे। तो ऐसे ही यहाँ ट्रक व्रक चलते हैं, सब में हिंदी से ही नंबर प्लेट आपका अंकित है, हिंदी लेटर से लिखा हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े विशाल जंगल हैं। कहते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ जंगल ही जंगल था, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, ये क्रमबद्ध रूप से रखे हुए हैं, रखे हुए बोले तो एक दूसरे को सेट करके, एक जो जाल होता है ना, जाल मछली पकड़ने का, इस टाइप का जाल में इसको बांध के रखा गया। यहाँ आपको परमानेंट वो जो रखा हुआ है गार्डवाल जिसको बोलते हैं, वो नहीं है, ऐसे ही इसको टेम्पररी बेसिस पे रखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा सा घर अभी पहली बार नज़र में आया नेपाल पर, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखा दूँ। यह काफ़ी बड़ा सा यहाँ बिल्डिंग्स स्टार्ट हुआ है, कुछ लगता है कि टाउन टाइप का इलाका होगा या स्कूल होगा। आप सब देख रहे हैं मेरा नेपाल वाला ब्लॉग, तो मैं इसे अपने अंदाज से दिखाना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लग रहा आपको यह सब चीज़ें दिखाने का, यहाँ के रोड, यहाँ के घर, यहाँ के गाड़ी, यहाँ के हर एक चीज़। मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आपको कम से कम नॉलेज हो सके आप अगर, ताकि कभी ज़िंदगी में अगर आते हैं तो अच्छा लगे ये देखकर कि इस तरीके का चीज़ तो पहले वीडियो पर हमने देखा था। और अगर कभी ना आ पाएँ तो कम से कम इतना तो है कि आप जान सके कि इंडिया जैसा ही देश है नेपाल, बिल्कुल ऐसा ही, वहाँ के लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, खासकर तराई क्षेत्र के। पहाड़, तराई और हिमालय, ये तीन क्षेत्र में नेपाल को बांटा गया। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको ठीक से बताऊंगा फिर से। तो इसलिए मैं वीडियो आपका लंबा बन रहा, लंबा बोले तो एक चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। अगर आपके पास समय है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत इसलिए की है कि मुझे अनुभव मिले, मुझे जानना है, ये मेरी ज़रूरत है कि मैं जानूं कि कैसे रहते हैं यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल, यहाँ के रोड्स। हो सके तो आप कमेंट कीजिएगा अगर कुछ मैं आपको बता ना पाया, ऐसा होता है मैं आपको बता ना पाया होऊंगा और आपको जानने की इच्छा रहेगी, तो अगर मैं वो जानूंगा तो ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस तरीके का यहाँ पुलिया देखिए, पुलिया बनती है जो नदी पर, घर आपको हर कुछ किलोमीटर बाद एक दो घर आपको मिल जाएंगे, 10-12 घर मिल जाएंगे। तो लोग काफ़ी मेहनती हैं जैसा देख के लग रहा। अब देखिए गाढ़वाल का सीन बदल गया, ये टेम्पररी नहीं परमानेंट गाढ़वाल है, क्योंकि अब पहाड़ के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं। गाढ़वाल इसीलिए है क्योंकि बीरगंज से काठमांडू का जो रास्ता है काफ़ी खतरों से भरा हुआ है, काफ़ी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, काफ़ी पलट जाते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और देख सकते हैं काफ़ी प्रोटेक्शन में जो है हमारे ड्राइवर साहब भी गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर काफ़ी अच्छे थे। मैं भी गाड़ी चलाता हूं, पर काफ़ी अलग टाइप का माहौल है यहां, गाड़ी चलाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा नीचा ऑफ रोड वाला सीन है। गाड़ी ख़राब होना भी बड़ी बात नहीं है, और अगर बारिश में आप आते हैं तब तो बहुत सावधान, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड होता है या पत्थर उत्थर गिर के रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो जब तक JCB ना आएगा तब तक आपको रात वहीं जंगल पे बिताना होगा। तो सावधान अगर कभी आते हैं तो। हम लोग फ़िलहाल 10 आदमी हैं, 4 आदमी पीछे, 4 आदमी बीच में, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर जो आगे सीट में, तो 10 आदमी का ये ग्रुप हम लोग अभी फ़िलहाल काठमांडू के लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है, ये रोड बन रहा है, लेफ्ट साइड में जो देखिएगा यहाँ वॉल बनने के लिए सब रेडी हो रहा है, और काफ़ी ऊंचा टाइप का है ये जगह, ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा। यहीं पर कुछ आप देखिए पुलिया है छोटा सा, कुछ बस्तियाँ हैं, कुछ घर हमने पार कर चुका है, और ये जो यहाँ का पत्थर है खाली वाइट मिलता है। कैमरा में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये जो घर देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे आपको क्या समझ में आ रहा नहीं मालूम, पर अपने खुले आंखों से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक बस्ती टाइप का इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिलहाल थोड़ा सा जाम में हम लोग फंसे हुए, देख सकते रोड बन रहा है। समय महत्वपूर्ण है, पर प्रयास कीजिएगा आने वाले एपिसोड्स को भी देखने का।